अपने बंदों को कैसे नवाजता है इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला ग्रेट प्लानर है, उस अल्लाह ताला ने सब कुछ पहले से। जैसे मैंने आज ये पार्सल अनबॉक्स किया ना, तो हिबा इतनी इतनी खुश हुई कि उसने सारे कपड़े जो जो निकल रहे हिबा एक ही बाग को मैंने आज बनाया है, बाकी ये मैं आप लोगों को और जाइ लाओ। देखिए यहाँ पे मैंने ऑमलेट बना रही हूँ, प्याज वाला ऑमलेट। मुझे प्याज वाला ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है, अब बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं था, अब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्याज वाला ऑमलेट बना रही हूँ, साथ में ब्रेड बना रही है, ब्राउन ब्रेड है, सिंपल ब्रेड है। ये मैंने प्याज धनिया और मिर्चें काटी हुई हैं, इसमें मैंने बनाया है। फिर बनाऊँगी। अभी दो अंडों का ऑमलेट बन रहा है, पहले अब्बू के लिए, उसके बाद बनेगा हमारे लिए। अब ये बन रहा है हमारा ऑमलेट, अब्बू को दे दिया कि अम्मी को मेरा है। इतना बड़ा ऑमलेट बन रहा है ना, मेरा बहुत बड़े साइज का पिज्जा पैन भी होता है, बहुत बड़े साइज का होता है। और जब मैं रोटी बनाने के आज मैं इससे पूरे तवे से बाहर रोटी निकल जाती है, इतनी बड़ी रोटी बना लेती हूँ मैं। मैंने चाय रख दी है, और ये मेरा बच्चा, मेरे बेबी ने न्यू कपड़े पहने हैं। और यहाँ पे अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ, और ये मेरी डॉक्टर हिबा। डॉक्टर हिबा दिखाएं, ओए ओए पाँव को रेड कर दो, नहीं हाथ को, ठीक है। हाँ जी ठीक हूँ डॉक्टर, एक बार ठीक हूँ मैं। दवाई देनी है और जाइ लाओ, और जाइ। अभी डॉक्टर ही बाहर जा रही है कहाँ, यार चीज़ यहाँ से लाती है, कॉफ़ी चाय भी नहीं चलाती, दही भी यहाँ से ला रही हूँ। ये देखिए ये मेरा डॉक्टर है, पिकाबू आई सी यू। सा कर रही हूँ साथ साथ चाय, और साथ साथ कर रही हूँ ड्रामा इंजॉय। यही है हमारा खाना। ये देखें जला, ये मेरा बेबी कितना प्यारा लग रहा है, न्यू कपड़े पहने, और हिबा झूले में बैठी है, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा झूला हिबा का लगता है, यहाँ पे ऑयल देने वाला हुआ है। मील का भी ऐसा है, ओके। मजा आ रहा है, ये देखो ये हिबा के झूले पे मम्मा ने म्यूजिक बेल भी लगाई है। हिबा के झूले पे तो लाइटिंग भी ऑन होती है, मम्मा लाइट ऑन करें। ये देखें लाइट ऑफ, मैं बैठूं, मैं क्यों बैठूं। ये लाइट्स ऑन है हिबा के झूले पे, ये है ना। अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, कैसे हैं हम सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, हम जा रहे हैं। और मैं रेडी हुई हूँ लाइट गई में, और लाइट गई में रेडी कैसे हुई हूँ, ये मेरे अपनी वन एटी लाइट्स के थ्रू। ये देखिए वन एटी लाइट्स मेरी, और इसके थ्रू मैं रेडी हुई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। पावर बैंक है, पावर बैंक पर लगाई मैंने लाइट, और लाइट को ऑन किया, और ये देखिए कितनी रोशन है। और इसे इजीली, मतलब मैं कहती पहले लाइट जाने में तैयार होना बहुत मुश्किल था, अब बहुत इजी हो गया भाई इस वैनिटी लाइट्स की वजह से। तो अब हम चाय पीने लगी हूँ, हम आए हैं भाई के घर, और ये देखिए मेरा बच्चा और अब्बू भी आ गए। तो मेरा बच्चा फिर आया है मम्मा के घर, तो आके इसने फिर से ये जो स्ट्रॉबेरी है ना, इसके साथ खेलना शुरू कर दिया है। और आज गए थे हम भाइयों के घर, उधर जाके मुझे ज़्यादा है ना कंफर्ट लेवल नहीं रहता, मतलब सबको डिस्टर्ब करूँ, वीडियो बनाऊँ, फैमिली टाइम अपने में आपस में गुजारे, वीडियो की बनानी, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करती। तो खैर कोई नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई तंग हो, इसलिए हिबा जी स्ट्रॉबेरी देखे खा रही है। ऐसे खाने खाने हैं इसने, असल वाले कुछ नहीं खाने। देखिए मेरा बेबी मम्मा के बेड पर सो गया, मम्मा के घर आई है तो आके सो गई है। कब से कहती घर चलो घर चलो, यहाँ आके इसको सुकून आ गया कि घर आ गए हैं, इसको पता है कि दोनों मेरे घर हैं। यहाँ मेरा बीबी सो रहा है, ये सो ही रही थी जो हम सिस्टर के घर सो गई थी, हम सोए हुए इसको यहाँ पे ले आए, प्राम में लटा गए ऊपर, इसको कवर करके मतलब ऊपर शॉल देकर ले आए इसको। हिबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, फ्लू हुआ हुआ इसको, तो मैं जाना नहीं चाहती, पर हिबा का बहुत दिल था कज़न से मिलने का, खेलने का। उधर जाके भी गोद में बैठी रही है, बच्चे आवाज़ार हो जाते हैं ना जब तबीयत ठीक नहीं होती, बस उनको मम्मा की गोद ही चाहिए होती है। खैर सिस्टर के घर गई तो सुकून मिला कि दूसरी मम्मा के घर आई हूँ, फिर उसको मुझे नहीं तो कहती घर चलें, उधर जाके सो गई है, फिर सोई हुई को ले आई, पर शुक्र अल्लाह का सो रही है। तो मैंने आप लोगों को कुछ दिखाना, चले मेरे साथ।
ये सारे खिलौने ही बने बिगाड़े हुए हैं और ये देखो सारे धुले हुए कपड़े पड़े संभालने वाले सारे कपड़े पड़े हैं, बड़ा खलारा पड़ा हुआ। आज हम गए थे भाइयों के घर तो बहन के घर, तो हिबा तब लाइट गई हुई थी जब हम निकले, लाइट गई में हिबा लाइट जाने से पहले खेल रही थी, फिर लाइट गई थी मैंने हम चले गए, मैं वापस आके संभालती, पहले मैं इसको क्लीन करती, फिर मैंने आप लोगों को कुछ दिखाना, कुछ शेयर करना आप लोगों के साथ। स्टोरेज बॉक्स में दराज से मोबाइल जब हिबा मेरी हुई थी ना तब मंगवाए थे, 350 का एक मिला था उसको मुझे, अभी 800 के करीब एक है, तो तब मैंने मंगवाया था। खैर अब मैं इसके अंदर ही बातें सारे ट्राइज हों फिर ताकि ना सुकून से बैठ के ना बातचीत करें, और कुछ जो दिखाने मैंने आपको वो भी मैं आपको सुकून से दिखा सकूँ, तो इस वजह से पहले हम सबसे ट्राइज इसमें डाल देते हैं ना, तो यही से ही स्टोरेज बहुत बहुत अच्छे हैं, फूल भी बन जाते हैं। और इसके अलावा स्टोरेज बॉक्स के स्टोरेज बॉक्स है कि आप कुछ भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, नहीं ज़्यादा मोस्टली बच्चों की चीज़ें ही स्टोर होती हैं, लाइक कि एक ये स्टोर बन गया और मैं इसको उसकी जगह भी रख देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए पड़ा हुआ भी प्यारा लगता है। दूसरा ये इसको भी हम इसके अंदर रख लेते हैं, ट्रॉयज को खोलते हैं, खुल जा भाई खुल जा, ये देखें खुल गया, अब मैं इसके अंदर ट्रॉयज रख लेती हूँ सारे। जो हिबा का चकना बेलना ये ना हम दादा साहब गए थे वहाँ से लेकर आए थे, तो आज हिबा को ये भी सारा मतलब सेट कम्प्लीट हो गया, दोनों अलग अलग बॉक्सेस में पड़ा था, तो आज सारा एक साथ उसको टेबल पर लगा के ना खेल लिया। कहती मामा ये क्या, मैं कही आपका किचन है, फिर उसने फिश पकाई थी किचन में इसलिए फिश भी यहाँ पड़ी हुई है। सारी ट्रॉयज मैंने संभाल दी, अब मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, मैंने शेयर करना था आप लोगों को बता देती हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी मेरी बहनों जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अभी 2-4 दिन पहले मुझसे रब्ता किया, और रब्ता करके उन्होंने मुझसे पूछा हिबा का हाल वगैरह मेरा, और बहुत 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 नाइस पर्सन है, थैंक यू सो मच सारा, आप लोग आपने इतने ज़्यादा गिफ्ट्स भेजे हिबा के लिए, हिबा के लिए गिफ्ट भेजे उन्होंने, और उन्होंने हिबा के लिए गिफ्ट में क्या भेजा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस अल्लाह ताला सबको देता है, पर दिल जो है ना वो किस्मत वालों को देता है, मतलब उनका दिल बहुत बड़ा है, जो मुझे उम्मीद नहीं थी इतने की जितने उन्होंने मुझे गिफ्ट भेज दिए। वो हिबा का साइज़ पूछ रही थी मुझसे, तो मैंने उनको साइज़ बताया कि हिबा को 3 ईयर्स के बच्चे के कपड़े आते हैं, हिबा की हाइट अच्छी है इस वजह से, तो माशाल्लाह उन्होंने मुझे इतने ज़्यादा ड्रेसेस भेज दिए हिबा के लिए, और मतलब परसों मेरा ख्याल उन्होंने मुझे कहा था और आज मुझे रिसीव हो गया पार्सल से हुआ इतना बड़ा बॉक्स, तो उसमें इतने ज़्यादा कपड़े थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक हिबा को मैंने आज पहनाया है, बाकी ये मैं आप लोगों को उसको खोल के सबको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, अब सारी ड्रेसेस मैंने खोल ली हैं, एक तो हिबा को मैंने पहनाया है लाइट येलो कलर का, मुझे सर सबसे ज़्यादा पसंद आया है, सबसे पहले आपको वो दिखा देती हूँ। ये हिबा को अभी नहीं, अगले साल आएगा, परसों बहुत प्यारा आया, अभी भी आ रहा है उसको पूरा बाजू, मतलब फ्रिल से अगर देखा जाए तो उससे बड़े हैं उसको, बाकी पेंट वगैरह उसको पूरी है इसकी, तो ये पेंट है बहुत प्यारी, मुझे इसकी पेंट बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और ये अंदर से फलीस की है, गर्म है, सारे सर्दियों वाले कपड़े उन्हें भेजे हैं, अब तो सर्दियाँ यहाँ से ऑलमोस्ट जा रही हैं, पर मैंने कहा चले इतने प्यार से उन्होंने भेजी है तो मैं हिबा को एक एक दफ़ा पहना देती हूँ, एक एक दो दफ़ा जितने मतलब जो ज़्यादा गर्म है मैं उसको पहले पहना दूँगी, जो बाद में थोड़ा मौसम चेंज हो रहा होगा मतलब थोड़ा सा नॉर्मल मौसम आएगा तब पहना दूँगी बगैर स्वेटर वगैरह के, तो स्वेटर वाले जो ड्रेसेज है मैं उसको भी पहना दूँगी, पर ये ड्रेस उसका बड़ा है तो इसलिए मैं इसको ये अगले साल की पहनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो उसके अलावा ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है, इसकी शर्ट बहुत खूबसूरत है, ये फ्रॉक है ये देखें, और ये इसके साथ ये पेंट है, तो ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है, मतलब बहुत प्यार से उन्होंने भेजी हिबा के लिए गिफ्ट भेजा, और हिबा इतना खुश हो रही थी कि इसके गिफ्ट, मैंने उसको बताया कि ये गिफ्ट भेजा आपको आंटी ने, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और कहती थैंक यू आंटी, तो थैंक यू सो मच आप कितने प्यार का हिबा के लिए, देखिए बेटियों की किस्मत का अल्लाह देता है। तो ये देखें ज़रा, ये ट्राउज़र है और ये इसकी शर्ट है, इसकी शर्ट पे ना ये यहाँ पे मोती लगे हुए हैं, और ये कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं थोड़ा सा ये पूरा नज़र आ रहा, ये कुछ इस तरह से है, तो इसकी मोती जो लगे हुए हैं ना ये यहाँ पे सारे नग लगे थे, मैंने उतार दिए क्योंकि ना जो अभी आज पहना था उस पर भी नग लगे थे, उसकी वजह से उसके बाजू ख़राब हो गए थे, धागे खींचे गए थे, मैंने वो भी नग उतार के मोती लगा दिए। ये वाला गर्म वाला सूट है और ये इसका ट्राउज़र है, तो ये भी अभी भी आ जाएगा, उसको नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगा, तो एक दफ़ा मैं उसको पहना लूँगी ताकि ना पता ही नेक्स्ट ईयर ज़्यादा लंबी ना हो जाए ना, तो फिर मैं सोचूँ कि नेक्स्ट मैंने पहना ही नहीं तो उसको छोटा हो गया, इस वजह से मैं उसको पहना लूँगी। इसके अलावा ये वेलवेट का ये फ्रॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, वेलवेट का, वेलवेट बहुत अच्छी है, इसके अंदर स्टिच बहुत कम है बट वेलवेट बहुत अच्छी है, इसके पीछे जिप है और ये इसके स्लीव्स हैं, इस तरह बटन लगा हुआ है, ये बहुत प्यारी लगे मुझे, इसके पीछे बैक पे ऐसे बेल्ट भी है,
और इसके साथ जो है ना ये ट्राउज़र है, ये थोड़ा रेशमी स्टफ है जर्सी का, ये ट्राउज़र है इसके साथ। और ये भी जब मौसम चेंज होगा ना, मतलब सर्दी थोड़ी कम, ये भी बहुत प्यारा है चॉकलेट ब्राउन कलर में और ऑफ वाइट कलर में। ये इसका फ्रॉक है स्लीवलेस, बहुत प्यारा बना हुआ है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है इसकी। और इसके साथ ये इनर है वाइट कलर का, तो ये ट्राउज़र और ये शर्ट है। ये भी बहुत प्यारा सूट है, स्टफ बहुत अच्छा है, पर पता नहीं जर्सी के साथ मतलब यह सर्दियों के स्टफ को क्या हो गया। इसमें तो नहीं, खैर जो आज पहनाया है ना उसकी ट्राउज़र पे बुर भी आ गई एक दफ़ा पहना के, इस वजह से मैंने लिंट रिमूवर मंगवाया है, क्योंकि बच्चों के कपड़े एक दफ़ा पहनाओ ना दूसरी दफ़ा पहनाओ तो वो पुराने लगने लग जाते हैं, लिंट रिमूवर की वजह से वो न्यू रहते हैं। और एक ये है बहुत प्यारा सा, ये बहुत स्मार्ट सी है, उसको खुला होगा पर है बहुत प्यारा। ये इसका स्टफ भी अच्छा है, इनर साइड इसकी ऐसी ही ये फ्रॉक है और इसके बैक पे ऐसे बटन्स हैं ना बिल्कुल छोटे बेबी के जैसे होता है उस तरह ही बना हुआ। और ये इसके साथ ट्राउज़र है, माशाल्लाह बहुत कपड़े अच्छे हैं। जैसे मैंने आज ये पार्सल अनबॉक्स किया ना तो हिबा इतनी खुश हुई कि उसने सारे कपड़े जो जो निकल रहे हिबा के सारे ड्रेसेस दिए हैं, हिबा इतनी खुश हुई कि मैं इतने ज़्यादा कपड़े। और जब उसको पता चला तो कहती थैंक यू आंटी, तो आंटी हिबा भी आपको थैंक यू कह रही थी और ज़्यादा मैं भी आपको थैंक यू कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने प्यार का, इतने खलूस का, इतनी मोहब्बत का हिबा के लिए। तो बेटियाँ सबकी सांझी होती, जैसे कि आपने कहा बेटियाँ सबकी सांझी होती है, तो अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाजे, आपकी बेटी की किस्मत अच्छी करे, आपकी दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करे, ताला आपको बहुत तरक्की दे और बहुत कामयाबी दे। और इतने प्यार का दिल से शुक्रिया कि आपने इतने इतना इतना किया है, थैंक यू सो मच कि इतने ज़्यादा ही। बाकी ड्रेसेस के लिए बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उसकी वो एक्साइटमेंट, वो खुशी देखकर इतना इतना अच्छा लग रहा था, उसको गिफ्ट्स देखे कि उसको मेरे लिए गिफ्ट आए सारे कपड़े, उसके बहुत ज़्यादा खुश थी, थैंक यू सो मच। तो वो बहुत ज़्यादा चूजी है कपड़ों के मामले में, वो एक्साइटमेंट में उसने जो मैंने उसको पहनाया उसने चुप करके पहन लिया। मैंने कहा जो जो अभी उसको पूरे हैं वो पहनाऊँ, थोड़े बड़े वाले उसको नेक्स्ट ईयर पहना दूँगी, तो इस वजह से मैंने उसको पहना दिया। आपका भी इंशाल्लाह न्यू ड्रेस पहनाऊंगी और रोज़ में आपने व्लॉग ज़रूर देखना है और उसको ड्रेसेस ज़रूर देखिएगा। आप अपने बंदों को कैसे नवाजता है इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला ग्रेट प्लानर है, उस अल्लाह ताला ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है, हम परेशान हो जाते हैं बट अल्लाह ताला इज़ अ ग्रेट प्लानर। तो मैं किस तरह अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ है, इसका भी नहीं हम इंसान जितना अल्लाह ताला हम पे करम करता है, हमें नवाजता है। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कुछ सेशन में कमेंट सेशन में जो बताएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।